नमस्कार दोस्तों, YouTube के अवध न्यूज चैनल पर आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आइए आज रूबरू कराते हैं आप सबको देश से जुड़ी एक बड़ी खबर से, जो देश के लिए अमन शांति का पैगाम लेकर के हम सबके बीच आई है। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो हाल ही में भी भाजपा में शामिल हुए हैं, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बर रिज़वी साहब की। इन्होंने अभी मुस्लिम समुदाय के लिए एक अपील की है और वह अपील जुड़ी ही है इस समय देश की सबसे बड़ी खबर से, अयोध्या मंदिर निर्माण को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई लगभग पूरी हो चुकी है, फैसला आना बाकी है। इसी बीच सिया धर्म गुरु द्वारा यहाँ पे मुस्लिम समुदाय से इस जमीन को हिंदू समुदाय को मंदिर निर्माण के लिए देने की अपील की जा चुकी है। इसी के साथ इन्हीं सुरों में सुर मिलाते हुए डॉक्टर अम्मा रिज़वी ने भी मुस्लिम समुदाय से इस जमीन को हिंदू धर्म के लोगों को मंदिर बनाने के लिए जमीन देने की अपील की है। डॉक्टर रिज़वी ने तर्क दिया है कि जब ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, भगवान एक है, तो फिर हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में क्यों झगड़ रहे हैं, इनके बंटवारे में हम क्यों परेशान हो रहे हैं। ये अयोध्या में जो मामला काफ़ी समय से चल रहा है, उसमें मुस्लिम समुदाय को उन्होंने दरिया दिले दिखाते हुए आगे आने की अपील की है और उन्होंने कहा है कि यदि यह फैसला उनके पक्ष में आता भी है तब भी उन्हें यह जमीन हिंदू धर्म के लोगों को दे देनी चाहिए, क्योंकि यह भगवान राम की जन्मभूमि मानी जा रही है। ऐसे में यह बयान डॉक्टर अम्मा रिज़वी का पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि बहुत जल्द राम जन्मभूमि को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की मैराथन सुनवाई खत्म हो चुकी है और फैसला आना शेष है। ऐसे में जहाँ प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार काफी सतर्कता बरत रही है, अयोध्या को छावनी में तब्दील किया जा चुका है, बड़े पैमाने पर आसपास के जिलों में फोर्स तैनात है, पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है, कहीं पर सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े इसके प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच डॉक्टर अम्मा रिज़वी का यह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रयास काफी महत्वपूर्ण है। इस अपील से देश और प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में अच्छा संदेश जाएगा और सरकार को, प्रशासन को शांति व्यवस्था कायम रखने में काफी मदद मिलेगी। डॉक्टर अम्मा रिज़वी मुस्लिम समुदाय का एक शांत प्रिय चेहरा माने जाते हैं, इनकी अपील का जनता पर कितना असर पड़ेगा यह देखना होगा। और अब इसके साथ साथ सभी को इंतजार है अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने की। फैसला अगर आता है, फर्स्ट चीज ये नहीं होता, वतन मुसलमान राजी नहीं होते, अगर मुसलमान का मतलब ये कुछ लीडर्स राजी नहीं होते, तो फिर जो भी फैसला हो उसे सबको बहुत खुले दिल से मानना चाहिए। और मैं तो इस हद तक के हूँ कि फर्ज कीजिए कि फैसला मुसलमानों के भी हक में, तब भी मुसलमानों को वो ज़मीन जो है वो मंदिर के लिए दे देना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर कलवे सादिक साहब लगातार इस बयान को देते रहे, सर जो आपने कहा वो भी यही बात कह रहे हैं, लगातार कई कार्यक्रम में उन्होंने कहा, लेकिन कुछ धर्मगुरु मुस्लिम हैं जो उनकी मुखालफत में इस वक्त कई बार बयान भी हो चुके हैं कि ये नहीं मानने को तैयार हैं जो उन्होंने, उनका ये निजी फैसला था ये कह। देखिए, जज्बात जो होते हैं जिन्हें सेंटिमेंट्स कहते हैं, इमोशंस कहते हैं, वो अलग चीज़ होती है, और जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात होती है वो अलग होती है। मेरा जो लोग बहुत जज्बाती हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर मुकदमा जीत भी लिया जाए तो क्या ये प्रैक्टिकल होगा कि वहाँ पर जो सौहार्द भी बना रहे, मस्जिद या मंदिर जो भी है मस्जिद बन जाए, लोग जाते रहें, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैं समझता हूँ कि जो आपसी सौहार्द है, आपस में मेल मोहब्बत है, उससे इसको अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले
मेरी राय है कि ये ज़मीन जो है वो हिंदू भाइयों को सपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वही सब पूरा उनका कॉम्प्लेक्स है, हर एक चीज़ वहाँ पर है, और उसके अंदर बीच में जाके आप वहाँ पर चार आदमी जाते हैं नमाज़ पढ़ने, कोई लोग उसमें एंटी सोशल लोग आ जाएँ वहाँ पर फंसी झगड़ा हो जाए, तो उन चार आदमियों की वजह से पूरे माहौल, पूरा अयोध्या का, पास के फैज़ाबाद का, उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब है। तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जब आदमी को जो उसका बड़ा प्रोस्पेक्टिव देखने के लिए तय करना पड़ती है, तो अभी तो बात यही है कि जो भी फैसला कोर्ट का हो, नंबर वन कोर्ट में सबको इसको मानना चाहिए खुशी से, और किसी तरह का कोई खुशी या कोई गम का इजहार नहीं करना चाहिए ताकि सौहार्द बना रहे। मेरी राय ये है, और हो सकता है बहुत से लोग मेरी राय से सहमत हों न हो, कि से खुशी से हिस्सा लेना चाहिए, उसके उसके कंस्ट्रक्शन में, उसकी ताबीर में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आखिर में खुदा तो एक ही है, जो जो ईश्वर है वो एक है, जो सुप्रीम पावर है वो एक है। किसी भी धर्म में ये नहीं है कि दो खुदा हैं, किसी भी धर्म में ये नहीं है कि सुप्रीम पावर जो क्रिएटर है वो दो क्रिएटर है, हर एक कहता है कि क्रिएटर एक है। जब क्रिएटर एक है, चाहे आप मस्जिद में खड़े होकर दुआ मांगिए, मंदिर में दुआ मांगिए, गिरजा में दुआ मांगिए, गुरुद्वारे में मांगिए, कहीं पर मांगिए, मांग तो उसी से रहें जो सबका बाप है, जो सबका क्रिएटर है। तो क्यों ना हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि उसके सब मिलकर उसकी पूजा करें, उसकी बात करें। तो जो लोग इंसान और इंसान के बीच में फ़र्क पैदा करते हैं, मैं नहीं समझता कि वो लोग मज़हब के सही मानने वाले हैं। कुरान के अंदर साफ लिखा है कि अगर किसी एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया जाए तो इसका मतलब कि सारी दुनिया को कत्ल कर दिया गया, दिस इज़ वेरी क्लियर। तो अब इसके बाद जब ऐसी बात है, तो जो हम रोज़ पढ़ते हैं, जो कुछ करते हैं, हिंदू धर्म में क्या है, विश्व शांति है, चंद्रमा शांति है, पृथ्वी शांति है, वनस्पति शांति है, कहीं के ऊपर हिंदू शांति नहीं लिखा हुआ है, कहीं बता दीजिए आप मुझे। तो सबको चाहा है ना कि विश्व भी शांति रहे, वनस्पति भी शांति रहे, दरिया भी रहे, पहाड़ों पर भी रहे, चंद्रमा पर भी रहे, हर जगह के ऊपर क्वाइट और पीस रहे, तभी सब लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मुल्क में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू करना चाहिए, और मुकदमे का जो भी फैसला हो, कम से कम हम लोगों को ये कहना चाहिए कि हम अभी दे रहे हैं, और इवन इफ मुकदमा इज़ इन आवर फेवर तब भी हम दें। सबसे तेज और अधिक खबरें पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अवध न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।